हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये मेरे शिप की पहली व्लॉग वीडियो रहेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और मैंने शिप दिखाने की पूरी कोशिश की, पूरा शिप दिखाओ, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड चल रहा है, तो उसकी वजह से शिप पर घूमना इतना अलाउ नहीं किया। फिर भी जितना हो सके उतना मैंने दिखाया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अरे 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 वेट कीजिए, आप सोच रहे हो कि अभी तो वॉइस पतली आ रही थी, अभी कैसे चेंज हो गई, क्योंकि मैंने ये वॉइस है ना एक्स्ट्रा डाली हुई है, एक्स्ट्रा ऑडियो डाली हुई मैंने, क्योंकि घर पे आके मुझे एडिट करना पड़ा कि बैक वॉइस बहुत आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी कोविड की चेकिंग हो गई और यहाँ पे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत सेफली चढ़ना पड़ता है कि बारिश भी है, मतलब पानी भी गिरा हुआ है, थोड़ा सा भी पैर गया तो समझ लो ढाई करके नीचे। तो चलो मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा, पूरा शिप दिखाऊँ। पूरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, अभी कोविड 19 चल रहा है तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं है दिखाने की। यहाँ पे कैमरा डाउन करना पड़ा मुझे क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर सामने खड़े थे। चलो चलते हैं अभी शिप। और भाई साहब, फाइनली हम पहुँच गए शिप के अंदर। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ शिप कैबिन में और यहाँ से पूरा मोनिटाइज करते हैं ये लोग कार्गो कितना डिस्चार्ज हुआ। ये टैंकर शिप है तो इसमें लिक्विड वगैरह रहता है, तो इसमें ये लोग यहाँ पे मोनिटाइज करते हैं पंप कितना स्लो करना है, क्या है, मतलब सबका अलग अलग काम रहता है इनका। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि उनको डिस्टर्बिंग पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, काम बहुत रिस्की है वाला। हम आ गए क्रू स्मोक रूम में, ये हमको कैबिन मिली है, यहाँ पे हम रेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है बाकी का वर्क यहीं से करते हैं, क्योंकि शिप कैबिन में ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते, वहाँ पे अलाउ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कुछ रिपोर्टिंग वगैरह रहता है, या तो कितना कार्गो डिस्चार्ज हुआ, क्या है, मतलब क्या सब चल रहा है, तो वहीं पर हम चीप से पूछते हैं तो चीप बता देता है, बाकी तो हम यहाँ पर ही आ जाते हैं तो टीवी वगैरह देखते हैं, तो टाइम पास करते हैं ऐसे ही। और ये शिप का बाहर का नज़ारा, और हाँ टाइम पास भी नहीं करते, थोड़ा काम भी कर लेते हैं हम, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है। और एक और भाई साहब प्रियंका चोपड़ा वाला सॉन्ग है और ये लगाया मैंने जस्ट अभी, और ज़्यादातर मेरे को बोर होता हूँ, मैं सॉन्ग वगैरह बहुत कम सुनता हूँ, पर आज नेट नहीं चल रहा है मेरा मोबाइल का, तो इसकी वजह से सॉन्ग से ही काम चलाना पड़ता है। और ये देखो ये कैरम वगैरह सामने पड़ा है, फिर एक बार देख लेते बाहर का नज़ारा। भाई साहब क्या औसम नज़ारा रहता है, ये मेरे को बहुत पसंद है बाहर का नज़ारा, मतलब शी वगैरह रहता है बाहर, मस्त, क्या बताओ औसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे पिटबल क्या कर रहा है इसके साथ,
जोड़ी जच नहीं रही है। पर मॉर्निंग भी हो गई, अभी मौसम थोड़ा साफ है, फिर भी अभी धुंधलापन सा दिख रहा है। अभी देख सकते हो बारिश तो बंद है, फिर भी मौसम साफ है। और यहाँ पे मैं मूवी भी देख रहा था, बहुत सारी मूवी देख लिया रात तो। मतलब सामने की तरफ कैरम भी रखी हुई, कैरम भी खेल सकते हो अगर कोई हो तो। और ये सोफ़ा थोड़ा सा टूटा हुआ है, बस चलता है यार। ये बाहर की तरफ का सीन है, यहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, बस एक फ़ोटो क्लिक की थी। क्या यहाँ पे अलाउ नहीं है क्योंकि लिक्विड डिस्चार्ज होता है, तो बहुत हाई रिस्क है। यहाँ पे मोबाइल तो यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर बाई चांस कोई सेफ्टी ऑफिसर देख लिया ना भाई साहब, मोबाइल गया और दूसरी बार पोर्ट में नहीं घुस सकते हो कभी यहाँ पे, तो थोड़ा रिस्क भी है। मतलब बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे कुछ एक अच्छी चीज़ थी, पता नहीं क्या बनाया हुआ था, मतलब अलग अलग रस्सी से बांधा हुआ था, कुछ बनाया हुआ था, अच्छा था यार। यहाँ पे लगाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ओके गाइस, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, क्योंकि COVID-19 चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अंदर इतना मतलब केबिन्स वगैरह में घुसने नहीं दे रहे हो, तो मेरे को जो केबिन मिला उसमें मैं वही टीवी देख रहा था, बुक्स पढ़ी और कैरम खेली, और बस थोड़ी बहुत मेरा जो काम था वो रिपोर्टिंग वगैरह सर को देनी थी वो दे दी, और ज़्यादा कुछ तो किया नहीं क्योंकि COVID-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती, कि वो लोग भी सेफ्टी रखते हैं तो उतना घुसने नहीं देते। हम लोग बाहर से जाते शिप पर तो वो लोग डरते हैं, तो उसकी वजह से अलाउ नहीं करते इतना अंदर। फिर भी मैंने कोशिश की थी, दिखाओ दिखाओ, बट नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। ज़्यादातर वीडियो में कुछ था ही नहीं ज़्यादा उसमें, अब मैंने बस पक पक किया और कुछ नहीं किया। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बल्क वेसल दिखाऊंगा आपको, ये मैंने टैंकर वेसल दिखाया, ट्राई करूँगा बल्क वेसल कोई अच्छा आया तो उसमें मैं जाऊँगा और दिखाऊँगा, ट्राई करूँगा वहाँ पे। फाइनल वीडियो ख़त्म हो रही है तो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो आएगी, पता नहीं सकता कब आएगी, बट बहुत जल्द आएगी। चलो ठीक है।